अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो आज है मेरी बारी और हम बना रहे हैं पुलाव, मज़ेदार पुलाव। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं आलू, ताकि आलू को थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, आलू मज़े के हो जाए। ये मेरे दोनों बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, मेरे को तंग करने के लिए। संडे ना, संडे फंडे, इनका फंडे, मेरा संडे और इनका फंडे। सो थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे हम, ताकि मजेदार लगे पुलाव। आज का पुलाव हमारा बहुत स्पेशल और मजेदार होने वाला है। और ये हमारे बच्चे हमारी हेल्प तो नहीं कर रहे, लेकिन काम जरूर बढ़ा रहे हैं हमारा। ये हमारे चिंटू, ये हमारा मिंटू। हेलो गाइस, बोल दो। सो बस हमारा पुलाव ऑलमोस्ट प्रोसेस में स्टार्ट हो गया है। सो इसमें हमने थोड़ा सा कड़ी पत्ते वॉश कर लिए थे, हमने कुछ कड़ी पत्ते ऐसे डाइट करे, कुछ कड़ी पत्ते हमने इनमें ब्लेंड करने में डाल दिया। बस आप देखते जाओ, आज मेरे हाथ का पुलाव मजेदार होने वाला है। बस ब्लेंड हो रहा है हमारा। आप लोगों को क्या कैसा पुलाव बनता है, किस तरह का बनता है, किस स्टाइल का बनता है? हम तो मेहमान, हमारा तो तरीका यही है पुलाव बनाने का। आपका तरीका कैसा है आप हमें बताएं, कमेंट करें। अब इसको सही पीसते हैं, प्रॉपर पीसते हैं, इसको पीते ना मज़ा आते, किसी में आता है किसी में ना, थोड़ा सा गाढ़ा हो मोटा हो तो पानी ऐड करते हैं इसमें। आप हमने से मसाला भी ऐड कर दिया है, देखिए इसकी चटनी कितनी मजेदार लग रही है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बस पैकेट डालना बचा है, पैकेट का वेट हो रहा है, पैकेट हमारा भूलिए डाला, पैकेट हमारे रस्ते में आ रहा है, ब्लॉक का पैकेट चलता रहेगा, फिर आप थोड़ा सांस लेगा, पानी वाली फिर हम डाल देंगे। सो ये हमारे ब्लॉक की शक्ल है, आप देख सकते हैं प्रोसेस चल रहा है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेते हैं, और एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच। सो और थोड़े से इसमें हम गोल मिर्चें भी ऐड कर देते हैं, जो मज़े का टेस्ट देते हैं पुलाव में। आप लोग शक्ल देख रहे हैं कितनी मज़ेदार हो रही है। और ये मेरे बच्चे मेरे को तंग करने के लिए बैठे हैं, बहुत कोशिश कर रही है आलू काटने की, मैंने आलू कटाया, किस काम के हुआ, किसी काम के नहीं हुआ। बस मेरा पुलाव कंटिन्यू चल रहा है। अब इसमें एक चीज़ की कमी है, उसका वेट है, बस वो उसमें ऐड होगा, देन हम इसको चिकन ऐड करेंगे। तो हमारा पुलाव प्रोसेस पे जा चुका है, हमने इनको ढक दिया है, अब बस सैलेड की तैयारी है। हम सैलेड बना रहे हैं, आपको हम बताएंगे मिम्मी की सैलेड भी इतनी मज़े की होती है। मेरा मेरा नाश्ता अभी तक हुआ ही नहीं है, क्या करें, संडे के दिन नाश्ते कहाँ होते हैं, बच्चे इतना ना तंग करते हैं। चलो मैं एक बॉल करवाती हूँ, ये आप आउट हो गए, आप दो बच्चों के साथ मजा आता है खेलने में, इनको तंग करने में जो मजा है ना वो किसी चीज में नहीं है। लाओ बन रहे, तो मैं ऐसे फजूल काम कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी करेंगे, आलू बजाए इसको भी रख देंगे। तो आप हमारा सैलेड देख सकते हैं, मज़ेदार हमारा सैलेड रेडी है, बस थोड़ी सी इसको हम सेट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा सैलेड रेडी हो गया है, और हमारा पुलाव भी प्रोसेस पे चल रहा है। तो हमारा सेकंड लास्ट जो है चिकन रेडी थी, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, आलू हमारे हाफ वाइट हो गए हैं, और बस हमें चिकन डाल लेना। सो चिकन डाल चुके हैं इसमें, आपको देखिए मज़ेदार डाल रहा है। बस इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम किसी आपको लास्ट चक्कर खाएंगे हमारे ब्लॉग। सो ये हमारा लास्ट ऑफिस था, जो हम पैक कर रहे हैं। सो
बस हमारा ब्लॉग ऑलमोस्ट डन हो गया है, हम इसको बस हीट देंगे, इसके बाद हम राइस ऐड करेंगे और फिर ये रेडी। हमारे 6 सब्बे चावल और ये मसाला मैं पहले ही डाल लिया। चलो मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 ये हमारे चावल को हमारे चावल चला जा रही है, हमारा प्लॉट डन हो गया है। ये देखिए बस प्लाव का मजेदार अमेजिंग, इसमें हम बस धनिया छिड़केंगे और ये हमारा डन। सो आज का आपको हमारे प्लाव की रेसिपी कैसी लगी? बच्चों की तरफ हम जाते हैं, खाने? हाँ, खाने। आपको खाने? हाँ। चलो भाई अब आपको ये सब प्ले वे बंद करो और ना आ जाओ ब्लॉग करने के लिए। हमारा आज का ब्लॉग यहाँ रुका है।